आप अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पे अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, कैसे इस फीचर का यूज कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी डिटेल्स में मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन की तरफ। जैसे हम व्हाट्सएप ऑन करेंगे, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। मैं आपको दूसरी इमेज सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है ब्रश का, वहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पर सिंपली एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करते ही हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हमें सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। हम जैसे ही प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं, हमें सिंपली जो इमेज सेलेक्ट करनी है वो हम ऐप से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फोल्डर से चाहे उस फोल्डर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विराट कोहली की इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से सेव, यहाँ पे विराट कोहली की इमेज आई है, यहाँ से हम सेव कर देते हैं। और आप जैसे ही नीचे आए आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट कलर, आइकॉन कलर इस तरह का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ और सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपकी होम स्क्रीन चेंज हो चुकी है। यहाँ होम स्क्रीन पे विराट कोहली का ऑप्शन, विराट कोहली का फोटो आ गया है। आपको मैं इस वीडियो में बता दूं कि ये अपने सिंपल व्हाट्सएप में नहीं होता, इसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, ऐप में व्हाट्सएप सर्च करेंगे और यहाँ पे पहली लिंक दिखेगी, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। बाय।